प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ेंगे। कोपेन प्रसिद्ध जर्मन विद्वान व्लादिमीर कोपेन ने 1918 में अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इसके बाद उन्होंने पुनः परिमार्जित संशोधित करके इसका विशुद्ध रूप 1936 में प्रस्तुत किया। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में तापमान तथा वर्षा को प्रमुख आधार बनाया, इसलिए कोपेन का जलवायु वर्गीकरण परिमाणात्मक कहलाता है। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में संख्यात्मक मूल्यों का प्रयोग किया था। कोपेन ने जलवायु वर्ग का नामकरण अक्षरों तथा उसका निर्धारण गुर या फार्मूला के आधार पर किया। कोपेन ने कैडोल द्वारा प्रस्तावित विश्व के 5 वनस्पति प्रदेश मेगाथर्मल, जेरोफाइट्स, मेसोथर्मल, माइक्रोथर्मल तथा हेकिस्टोथर्मल के आधार पर विश्व को 5 प्रमुख जलवायु प्रदेशों में बांटा, जिनका नामकरण ए बी सी डी ई अंग्रेजी के वर्णों के आधार पर किया। एक का अभिप्राय शीत ऋतु रहित उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, बी शुष्क जलवायु, सी सामान्य शीत ऋतु युक्त मध्य अक्षांशीय आर्द्र जलवायु या उष्ण आर्द्र समशीतोष्ण जलवायु, डी मध्य अक्षांशीय शीत आर्द्र जलवायु, ई ध्रुवीय जलवायु। इसके बाद कोपेन ने इन जलवायु वर्गीकरण के उप विभाग भी बनाए, जिसमें वर्षा को आधार माना। इसके लिए अंग्रेजी के वर्णों का प्रयोग किया, एफ छोटा वर्ष भर वर्षा, एस छोटा ग्रीष्मकाल शुष्क, डब्लू छोटा शीतकाल शुष्क व एस बड़ा अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु और डब्लू शुष्क जलवायु। अब पहली जलवायु ए उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, इसमें सबसे ठंडे महीने का तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। इस समूह में सर्वत्र एकरूपता नहीं मिलती, अतः इसको दो प्रमुख जलवायु प्रदेशों में बांटा गया। पहला एएफ, एएफ से अभिप्राय उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, जिसमें शुष्कतम महीने में भी 6 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। वर्षा का मौसमी वितरण समान होता है तथा वार्षिक एवं दैनिक तापांतर इसमें न्यून होता है। एडब्ल्यू उष्ण कटिबंधीय आर्द्र तथा शुष्क जलवायु, जिसमें शीतकाल शुष्क होता है, कम से कम वर्ष के एक महीने में वर्षा 6 सेंटीमीटर से कम होती है और यहाँ वर्ष भर उच्च तापमान रहता है। इसके बाद भी कोपेन ने एएफ और एडब्ल्यू के बीच के जलवायु का निर्धारण किया, जिसमें एक गुर या सूत्र का प्रयोग किया, ए बराबर 3.94 माइनस आर अपॉन 52। यहाँ ए शुष्कतम महीने की वर्षा है और आर वार्षिक वर्षा है। यदि किसी स्थान का शुष्कतम महीने की वर्षा एक के मूल से कम हो तो वहाँ ए डब्ल्यू जलवायु होगी, और अगर एक के मूल से अधिक होगी तो वहाँ ए एम जलवायु होगी, यानी मानसूनी जलवायु। ए एम को मानसूनी जलवायु कहते हैं, जिसमें एक लघु शुष्क मौसम होता है परंतु वार्षिक वर्षा इतनी अधिक होती है कि भूतल पर वर्ष भर सघन वन मिलते हैं। वास्तव में यह जलवायु प्रथम दो एएफ तथा एडब्ल्यू के बीच की होती है। अब दूसरी जलवायु बी, बी जलवायु से अभिप्राय शुष्क जलवायु या मरुस्थलीय जलवायु, यहाँ वर्षा की अपेक्षा इसमें वाष्पीकरण अधिक होता है। वर्षा की मात्रा इतनी नहीं हो पाती कि स्थायी भौम जल स्तर बना रहे। बी जलवायु को भी वर्षा के महीनों के आधार पर दो भागों में विभक्त किया, पहला शुष्क मरुस्थलीय जलवायु बी डब्ल्यू व दूसरा अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु बी एस। इनकी सीमा का निर्धारण एक गुर या सूत्र से किया, आर बराबर 0.440 माइनस 8.5 अपॉन 2। यहाँ पर आर वार्षिक वर्षा है जो इंच में है और टी वार्षिक तापमान फारेनहाइट में, अर्थात यदि किसी भाग की वार्षिक वर्षा उपयुक्त गुर से प्राप्त परिणाम से अधिक है तो वहाँ की जलवायु बी एस होगी और कम है तो वह बी डब्ल्यू होगी। इसके बाद भी
इन दो जलवायु को भी चार उपविभागों में विभक्त किया तापक्रम के आधार पर। जब औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री से अधिक होता है तो उसे एच वर्ण से इंगित किया जाता है, और जब औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री से कम होता है तो उसे के वर्ण से इंगित किया जाता है। इसके चार उपविभाग बनाए। पहला BWH उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी जलवायु, औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। फिर BSH उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु, औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। फिर BWK मध्य अक्षांश से रेगिस्तानी जलवायु, औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। व BSK मध्य अक्षांश से स्टेपी जलवायु, औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। अब तीसरी जलवायु सी, जिसे समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु के नाम से जानते हैं। इस समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु में सबसे ठंडे महीने का तापमान 13 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, परंतु -3 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। वर्षा के मौसमी वितरण के आधार पर इस जलवायु को तीन उपभागों में विभाजित किया गया है। पहला CF, इससे अभिप्राय वर्ष भर वर्षा होती है, ग्रीष्म काल के सूक्ष्म महीने में भी 3 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, यह पश्चिमी यूरोप तुल जलवायु है। CW शीतकाल शुष्क होता है, शीतकाल के सूक्ष्म महीने की अपेक्षा ग्रीष्म काल के सबसे आर्द्र महीने में 10 गुनी अधिक वर्षा होती है, इसे चीन तुल जलवायु कहते हैं। वह तीसरी CS, इसमें ग्रीष्म काल शुष्क होता है, इसमें ग्रीष्म काल के सूक्ष्म महीने की अपेक्षा शीतकाल के सबसे आर्द्र महीने में 3 गुनी अधिक वर्षा होती है, वह ग्रीष्म काल के सूक्ष्म महीने की वर्षा 3 सेंटीमीटर से अधिक भी होती है। फोर्थ डी जलवायु, शीतार्द्र जलवायु, इस जलवायु में सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान -3 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, वह उष्णतम महीने का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। इस जलवायु में धरातल पर कई महीने तक हिमच्छादित रहती है। इसके दो उपविभाग बनाए। पहला DF, जिसे शीतार्द्र जलवायु कहते हैं, जिसमें शुष्क ऋतु ही नहीं होती, वह DW, इसे शीतार्द्र जलवायु है जिसमें शीतकाल शुष्क होता है। लास्ट पांचवी जलवायु ई, इसे ध्रुवीय जलवायु के नाम से जानते हैं, इसमें उष्णतम महीने का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। इसको दो भागों में बांटा गया है। ET, जिसका प्राय टुंड्रा जलवायु, उष्णतम महीने का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम किंतु 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। वह EF, सतत हिमच्छादित जलवायु है, जिसमें वर्ष भर तापमान -1 से कम होता है या हिमांक बिंदु से नीचे रहता है। अब कोपेन के जलवायु का मूल्यांकन। कोपेन ने अपना वर्गीकरण मौसम के आसानी से ज्ञात किए जाने वाले तत्वों, तापमान तथा वर्षा के आधार पर किया। इनका वर्गीकरण मुख्य रूप से किसी प्रदेश या देश की वनस्पति प्रकार तथा उनके विशेषताओं एवं जलवायु की विशेषताओं के संबंधों पर आधारित है। इन्होंने वर्गीकरण में प्रभावी वर्षा की मात्रा का समावेश किया। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण की योजना भूगोल वैज्ञानिकों की अधिक पसंद आया, क्योंकि इस योजना में जलवायु प्रकार तथा वनस्पति प्रकार के बीच भरपूर महत्व दिया गया है। इसके अलावा यह योजना सरल, वर्णनात्मक तथा आसानी से ग्रहण होने वाली है, अतः इसको व्यापक समर्थन मिला था। लेकिन इसके अलावा इस योजना में कुछ कमियां भी बताई गई हैं। कोपेन ने अपने वर्गीकरण योजना में औसत मासिक तापमान तथा वर्षा को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया, जबकि मौसम के अन्य तत्व जैसे वर्षा गहनता, मेघन क्षमता की मात्रा, वर्षा के दिन, दैनिक तापमान की विषमता, पवन आदि को नज़रअंदाज किया। इन्होंने अपनी योजनाओं को आवश्यक से अधिक साधारण तथा वर्णनात्मक बना दिया तथा जलवायु के कारकों पर ध्यान नहीं दिया। इन्होंने वायु राशियों की विशेषताओं को भी सम्मिलित नहीं किया गया अपने वर्गीकरण में। विभिन्न जलवायु प्रकारों तथा उनके उप प्रकारों को इंगित करने के लिए इन्होंने पारभाषिक
वर्णों अक्षरों का प्रयोग किया, परंतु इन्हें याद रखने में कुछ कठिनाई तो अवश्य होती है। धन्यवाद विद्यार्थियों, कल आप इसके वर्गीकरण का याद करके आएंगे। धन्यवाद।